अगली खबर भिंड से आ रही है, जहां एक रिटायर्ड फौजी बैंक से 5 लाख रुपए बैग में रख कर लाया, इसके बाद घर आया। घर आने के बाद रुपयों का बैग गायब हो गया। जब उसे कहीं नजर नहीं आया तो वो सीधे देहात थाने पहुंचा। यहां पुलिस के समक्ष रुपयों का बैग चोरी होने की शिकायत की। दिन दहाड़े चोरी की शिकायत पर पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस को परेशान होना पड़ा। पुलिस ने रुपयों से भरा बैग को रोचक तरीके से ढूंढ निकाला। भिंड के जामना रोड पर रहने वाले सेवानिवृत्त सेना के जवान राम बहादुर शर्मा ने प्लॉट खरीदी के लिए SBI से 5 लाख रुपए निकाले। इसके बाद वो सीधे घर आए। दोपहर के समय जब उन्हें घर पर 5 लाख रुपए से भरा बैग नहीं दिखा, इस पर हर ओर तलाश की। जब कहीं बैग नहीं मिला तो उन्हें चोरी होने की आशंका जाहिर हुई। इस बीच एक दो लोग मोहल्ले के व रिश्तेदार भी घर आए। चोरी की शिकायत लेकर रिटायर्ड फौजी शाम करीब 5 बजे देहात थाने पहुंचे। यहां पुलिस के समक्ष घर से दिन दहाड़े रुपयों से भरा बैग चोरी होने की शिकायत की। पुलिस के समक्ष फरियादी ने संदेही का नाम बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। मामले को गंभीरता से लेते हुए देहात थाना प्रभारी मौका का मुआयना करने के लिए फरियादी के घर दल बल के साथ पहुंचे। यहां उन्होंने चोरी की संदेही की तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस ने सीन क्रिएट करना चाहा तो फरियादी से पूछताछ शुरू कर दी। रिटायर्ड फौजी से पुलिस ने पूछा कि सबसे पहले रुपए लेकर कहां गए। फौजी बोला घर आए थे। घर पर कहां बैठे थे? फौजी ने बताया चारपाई पर। पुलिस उस चारपाई के पास पहुंची। चारपाई खड़ी हुई थी, उस चारपाई को बिछाया गया तो उससे रुपयों से भरा बैग बंधा हुआ मिला। दरअसल फौजी बैंक से आया और चारपाई पर सिराहने रुपयों का बैग रखते हुए कपड़े के बैग को चारपाई से बांध दिया और उसे तकिया समझकर आराम करता रहा। जब वो उठा तो चारपाई को खड़ा कर दिया था, जिससे बैग चारपाई की आड़ में छिप गया था, जो कि परिवार के किसी सदस्य को नजर नहीं आ रहा था। इस तरह पुलिस को करीब 1.5 घंटे तक हलाकान होना पड़ा था। पैसे की वजह से पापा ने बैग उधर रख दिया, बोल रहे पैसे बैग गायब हो गया, उन्होंने ध्यान भूल गया, बैग फिर वापस मिल गया। बैग तुम्हारा कहाँ मिला? अंदर कमरे में मिला वापस। अच्छा, पैसे गिन लिए तुमने पूरे? पैसे तो सर जिन्हें बैंक में गिन के लाए थे सर। संतुष्ट हो तुम? हाँ सर, ठीक।